যা আপনার কলে কি রেল হো কি সে বিদ্যুৎ হোক কি সে রাস্তা হোক কি সে ক্ষেত্র হো সব ক্ষেত্রে ওড়িশা কু ফোকস করাইছে কিন্তু আজর কথা হচ্ছে কি দেখুন দুই হাজার চবিশ হচ্ছে নির্বাচনী বর্ষ তেমন মোদী কোণ কে প্রধানমন্ত্রী কোণ কে সমস্ত বেশি উৎকণ্ঠা খাশ করে স্পেশাল ওড়া কুনে কেন আপনার জিনিস ভারতের যেত্যি

মোর যে বিগত দিনের অভিজ্ঞতা আধারে যে ওষা ভেত্রে প্রধানমন্ত্রী যাই বক্তব্য দেওয়াপি তাঁক বক্তব্যটি ভিন্ন অর্থবোধক যেমি ওড়িয়ার গোটে ঢগ অথা কৌ মার্গে গলা গুয়া গছকু চড়ক মাইলা তাড় গছ পোড়িমলা সেইভাবে ঢায় যেহেতু নির্বাচন বর্ষ সি তা আজ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভাবে আক্রমণাত্মক হব না বক্তব্যটি নিশ্চিত ভাবে বুলেই বকেই বকাই কহিলি গুয়া গছক চড়ক মারিবা গছ পড়ি মরিব এই ন্যায়টা প্রতিপাদিত হব ই মোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আধারে মু আশা করুচি তাহলে হব কিন্তু সেটা সত্যি আমার রাজ্যের রাজনীতি যে মোড়ে যাওয়া মানে এটি গোটে বড় টকর আবশ্যকতা রয়েছে

শাসক বিজয়ৰোধী দলৰ পাৰজয় হৈ যদি আপোনাৰে ভাৰতীয় জনতা দল বা জনতা পাৰ্টি যদি কেৱল মোদীকৰ অৱদান ওড়াৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰত্যেক মমত্বোধ তাক যদি সঠিক ভাৱে পৰিপ্ৰচাৰ কৰি তাক তাৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক উষ্মতা বা ভোট ভোট আৰ্জন পণ্য কু উৎপাদন কৰি থাকে আজি ওড়িশাৰ ক্ষমতা ৰাজনীতি ভিন্ন হৈ থাকে কে নাতে বিগত দিনৰে যে ভৰি আগু কোৱা যাওঁ নবীন স্থায়িত্ব সোণিয়া দায়িত্ববৰ্তী সময়ত কোৱাগলা যে নবীন স্থায়িত্ব অমিত শ্বাহিত্বি যদিশাৰে জনসাধাৰণ মই জানে নিৰপেক্ষ সাম্বাদিকভাৱে কৈ ৰখে ওড়াৰ জনসাধাৰণ চাহি গোটেই বিকল্প চাহন কিন্তু যোন মানে পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তাৱহ হে সেই চাহি যে গোটেই পৰিৱৰ্তন হ'ব ইয়া হ'ব গোটেই দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ ৰাজনীতি যাতে প্ৰকৃতিৰে আপোনাৰ যদি কেৱল মোদীকৰ অৱদান মোদীক মমত্ববোধ কেৱল বিগত দশ বৰ্ষ ভিতৰত মাটিৰ নুহে অ মাটি মধ্যপ্ৰদেশ আ বিহাৰু জেড়িয়তিনিধিত্ব কৰি ଦଶ ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରହି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ହୋଇଛି ତାକୁ ଉପଯିବ୍ୟ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମମତବୋଧ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ତାକୁ ଉପଯିବ୍ୟ କରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥାନ୍ତା ତାର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଆପଣ କହୁନଥାନ୍ତେ ଆର ଏପଟ ସେପଟ ରହି

इस परियोजना को ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से भी जोड़ेगी वहीं कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग अट्ठाईस करोड़ रुपए की लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण पर और आधारशिला भी रखते हुए आज अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार आई वैली वाष्टी का भी आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे आई आई एम का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें वहां की इस वक्त सामने आई हैं जहां आपको बता दें कि अभी वैली वाष्टी का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में करते हुए नजर आएंगे और ये गुणवत्ता नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रतीक होगा इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग दो करोड़ रुपए की लागत की जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका भी आज लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे आई आई एम संबलपुर के स्थाई परिसर का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन को भी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ये तस्वीरें ओडिशा संबलपुर की जहाँ प्रधानमंत्री अब पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में अड़सठ हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे लोकार्पण करेंगे शिलान्यास करेंगे फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और ये पूरी जो सौगात है वो वहाँ की लोगों को देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर हैं इस दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के जरिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में करते हुए नजर आएंगे आपको बता दें कि इस पूरी योजनाओं की अगर हम बात करें तो जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे अब से कुछ ही देर में वहीं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत दो पचास करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से निर्मित ये परियोजना जो है वो ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी आगे आने वाले समय में वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग अट्ठाईस हज़ार नौ सौ अस्सी करोड़ रुपए की लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का भी लोकार्पण और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे आधारशिला रखेंगे तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं और अब से कुछ ही देर में करीब अड़सठ हज़ार करोड़ रुपए की सौगात जो है वहाँ के लोगों को देते हुए नजर आएंगी आई ए एम के जो स्थाई परिसर है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे फिलहाल पीएम इस परिसर का जो पूरा मॉडल है उसका अवलोकन उन्होंने किया है उसको देखा है कि वो किस तरीके से बनकर तैयार होगा और उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने पूरा इसका अवलोकन किया है इस पूरे परिसर का जो एक मॉडल इस परिसर का बनाया गया है कि आगे चल के जब ये मॉडल तैयार होगा तो वो किस तरीके से दिखेगा उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो अधिकारी है वो इस पूरे मॉडल को प्रधानमंत्री को समझा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा कहाँ पर क्या चीज़ रहेगी ये पूरा ये मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में बनकर तैयार होगा ये पूरा परिसर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ओडिशा संबलपुर के दौरे पर हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में जो स्थायी परिसर है उसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अड़सठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिनका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे लोकार्पण करेंगे शिलान्यास करेंगे वहीं प्रधानमंत्री आज 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के जो पूरे विकास परियोजनाएं हैं उसका भी उद्घाटन करेंगे और ये गुणवत्ता नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का भी प्रतीक होगा तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और ये तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वहाँ के लोगों को देंगे फिलहाल जो परिसर है उसका एक मॉडल बनाया गया है कि उस परिसर में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी क्या किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पर रहेंगी और उस पूरे मॉडल का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया पूरी जानकारी ली कि इस परिसर में क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आई आई संबलपुर का जो पूरा नया परिसर है उसका पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का भी अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे कुल मिलाकर अड़सठ हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जो आज जनता को समर्पित होगी राष्ट्र को समर्पित होगी इसके अलावा अगर देखा जाए तो झारसू प्रधान डाकघर विरासत भवन भी आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे अब से कुछ ही देर में फिलहाल वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं उनका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और इस दौरान जो पूरा भवन का जो परिसर है उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए जानकारियाँ ली कि वहाँ पर किस तरीके की, की बुनियादी सुविधाएँ मौजूद रहेंगी लोगों के लिए आई आई एम संबलपुर का जो पूरा परिसर है उसके मॉडल का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आए हैं और अब से कुछ ही देर में जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज लगभग 2146 करोड़ रुपए की लागत की जो रेलवे परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और करते हुए नजर आएंगे वहीं आधारशिला भी रखेंगे आई एम संबलपुर के स्थायी परिसर जिसका अवलोकन जो मॉडल का अवलोकन है वो प्रधानमंत्री ने किया उसका भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे झांसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन वो भी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको आम भिडी भल लगे तेज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं